हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि लेताओ को पता चल जाता है कि युयान ही सम्राट हैं। तो चलिए देन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ग्रांड सेक्रेटरी के यहाँ शाही फैसला सुनाने कुछ सैनिक आए हुए थे। अब वो लोग लेताओ के फादर से कहते हैं कि महाराज का ये आदेश है कि लेताओ, आपकी जो डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है। महाराज के लिटिल सन यानी कि प्रिंस की जो है स्टडी स्टार्ट होने वाली है, तो महाराज का ये आदेश है कि लेताओ प्रिंस के साथ रहेगी और उनके साथ ही स्टडी करेगी। तो लेताओ के फादर ये संदेश तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और लेताओ तो कहती है व्हाट। लेताओ के फादर वो संदेश एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लेताओ के फादर लेताओ के पास आते हैं। लेताओ, कितनी खुशी की बात है, तुम उस प्लेस में जाओगी और प्रिंस के साथ स्टडी करोगी। सडनली लेताओ रोने लगती है और भागकर अपने फादर के आकर पैरों में चिपट जाती है और उनसे कहने लगती है, फादर, मदर, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैं उस प्लेस में नहीं जाना चाहती हूँ। और अपने मन में सोचने लगती है, अगर मैं उस प्लेस में गई तो पता नहीं मैं कब वापस आ पाऊँगी, और अभी अभी तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं इतनी आसानी से ये सब नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी लेताओ की मदर लेताओ के फादर से कहती हैं, माई डियर, अगर हमारी डॉटर वहाँ पर चली गई तो हमें उसे दोबारा देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्या पता हम उसे मिल भी पाएँ। तभी लेली अपने फादर से कहता है, फादर, तातो अभी यंग है, क्या आप सम्राट से पूछ सकते हैं कि तातो को थोड़ा और समय दे दें ताकि वो अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और लियान भी कहता है, अगर लेताओ वहाँ पर चली गई तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन लेताओ के फादर तो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि महल से उसके लिए ये संदेश आया है, वहाँ पर जाना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, ये तो तुम्हारे गर्व की बात है। और वो लेताओ का हाथ पकड़ लेते हैं और सब पर कहते हैं, ये सब बकवास है, लेताओ तुम जाओगी पढ़ने। और वो कहते हैं, ये एम्परर का आदेश है, हम उनके आदेश को डिसअबे भी तो नहीं कर सकती हैं। लेताओ तो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और उसे न चाहकर भी वहाँ पर जाना होता है। लेताओ के फादर उसे कल भेजने को कहते हैं और वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लेताओ कहती है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, नहीं नहीं, नो, नेवर। लेकिन अब वो क्या कर सकती है। खैर, देन नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है चिगे के घर। ये खबर तो सब में फैल चुकी थी और चिगे को भी ये खबर पता चलती है। तो चिगे अपने फादर से पूछ रहा होता है, फादर, क्या ये सच है कि लेताओ प्रिंस को कंपनी देने जा रही है राजमहल में? तो उसके फादर का ध्यान तो कहीं और ही था और वो अपने मन में सोच रहा होता है, माई फेवरेट पॉर्क लेग पीस, और वो लेग पीस को पकड़ रहा होता है। तभी चिगे अचानक से ज़ोर से चिल्लाता है और वो कहता है, फादर, अगर लेताओ वहाँ जाएगी तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी उसके साथ वहाँ पर जाऊँगा। तभी अचानक से वो लेग पीस छूट जाती है। फिर तो उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। चिगे फादर से कहता है, फादर, मेरे लिए भी अप्लाई करिए, अगर वहाँ पर लेताओ जाएगी तो मैं भी जाऊँगा, प्लीज़ आप योर हाइनेस से कहिए कि वो मुझे भी लेताओ के साथ ले लें। तो उसके फादर कहते हैं, पागल मत बनो, वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। तो चिगे जिद करने लगता है तो उसका फादर कहता है, ठीक है, मैं बात करूँगा। फाइनली हमें यहाँ पर हेवनली पोर्टी प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पर लेताओ उसके बाहर खड़ी हुई होती है और उसके फादर मदर उसे वहाँ पर भेज देती हैं। लेताओ सोच रही होती है, फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है उसके साथ चिगे भी आया हुआ होता है। चिगे तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, लेताओ, मैंने इतना शानदार और वैभवशाली महल कभी नहीं देखा। और लेताओ मन में सोचने लगती है, ऊपर से पागल कहीं का मेरे साथ आ गया, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है। तभी अचानक से गेट खुलता है और वहाँ से चीफ मिनिस्टर बाहर आते हैं। और वहाँ से चीफ मिनिस्टर कहते हैं, प्रिंसेस लेताओ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो लेताओ कहती है, ठीक है। और चिगे उनसे पूछता है, तो मेरा क्या होगा? तभी वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हारा रूम दिखा देंगे। चिगे उनके साथ जाता है और चिगे लेताओ से कहता है, लेताओ, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है? लेकिन लेताओ तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती, उसका दिमाग तो खराब ही होता है। लेताओ चीफ मिनिस्टर के साथ अंदर चली जाती है और महाराज को ग्रीटिंग करती है। महाराज ने तो अभी उसे उठने को कहा ही नहीं था, तो लेताओ को बहुत देर बैठे बैठे हो गई थी और ऊपर से उसकी पोटली जो है बहुत बजनीली थी, तो उसे बहुत दर्द भी हो रहा था और वो कहता है, मेरे घुटने। थोड़ी देर बाद महाराज कहते हैं, उठ जाओ। तो लेताओ उठ जाती है और कहती है, अपने मन में सोचने लगती है, मैं भी तो देखूं आखिर योर हाइनेस कैसी लगती हैं। तो लेताओ योर हाइनेस की तरफ देखती है और वो देखते ही पहचान जाती है।
वो कहती है तुम। सो फाइनली लेताओ ने महाराज को देख लिया जो कि यूएन ही था। लेताओ यूएन से कहती है तुम महाराज कैसे हो सकती हो। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खड़े हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को ऐसे बुलाने की। तो यूएन लेताओ से कहता है क्या तुम भूल गए लिटिल लायर, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हैंडसम हूँ जिसके साथ तुमने बार बार चीट किया और उसे फूल बनाया। लेताओ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसने जो जो यूएन के साथ किया था वो सब कुछ याद करने लगती है और सोचने लगती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और लेताओ यूएन से कहती है योर मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं छोटी हूँ और तुझ भी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी इंसल्ट की। लेताओ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी और उसकी मदद करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं था। सडनली वहाँ पर KR आ जाता है और यूएन से कहने लगता है आप इतनी देर तक कोर्ट में अभी तक उपस्थित क्यों हैं। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि यूएन तो इस वक्त मार्केट में निकल जाया करता था। तभी चीफ मिनिस्टर KR से कहते हैं प्रिंस एम्परर तो ग्रैंड सेक्रेटरी की डॉटर से कुछ बात करने के लिए रुके हैं। तो KR लेताओ को देख लेता है और उसे कहता है तुम हो ये। तो लेताओ कहती क्या। लेता उसकी तरफ देखती है और वो KR को पहचान जाती है और वो कहती है तुम प्रिंस हो। और उस पर डबल अटैक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है और उसकी इस वक्त कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता है। सडनली यूएन खड़ा होता है और वो लेताओ से कहता है डॉटर ऑफ ग्रैंड सेक्रेटरी लेताओ मैं तुम्हें आज बता दूं कि आज से तुम KR की स्टडी में भागीदारी रहोगी और तुम कभी भी सुस्त नहीं दिखनी चाहिए और मैं तुम पर पर्सनली निगाह रखूंगा और मैं पर्सनली आप लोगों को बता दूं कि लेताओ की लाइफ आज से खराब होने वाली है। उसी दिन से लेताओ का काम शुरू हो जाता है। लेताओ अपने स्टडी क्लास में सो रही होती है और अमीर होने के सपने देख रही होती है। तभी अचानक से उसे कोई धक्का देता है और कहता है कॉपी करना जारी रखो तुम बहुत सो चुकी। वो होता है यूएन। यूएन की तरफ लेता बुरी तरह घूर रही होती है और कॉपी कर रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूएन अपनी सीट पर खूब आराम से जा रहा होता है ठाट बाट के साथ और लेता उसके पीछे दौड़ रही होती है। वो यूएन लेता से कहता है तुम तेज दौड़ो, तुम बहुत धीमी दौड़ती हो, ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और लेताओ बेचारी और इसी उतार चढ़ाव के साथ लेताओ की लाइफ इस प्लेस में 8 साल बीत जाती है और हमें दिखाया जाता है फिर 8 साल बाद। यहाँ पर महल में एक कमरे में धुआं उड़ रहा होता है। तभी अचानक से उस कमरे में से खांसते हुए एक लड़की बाहर निकलती है और वो कहती है मैं फिर से फेल हो गई। तो गाइस बताइए ये कौन लड़की है, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। तो आप लोगों ने चीटिंग तो नहीं की, डोंट चीटिंग ओके, चलिए मैं बताती हूँ ये लेताओ ही है। लेताओ बार खड़ी ही होती है तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है लेताओ तुमने इस महल की बिल्डिंग्स गिरा दी है, तुम विश्वास करो या ना करो इम्प्रोर तुम्हें हैवी सजा देंगे। वो दो लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक का नाम होता है टेला ह्यून, वो डॉटर ऑफ असिस्टेंट मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू और उसमें दूसरे का नाम होता है फोगा चियानजी, वो डॉटर ऑफ मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री दीवार की होती हैं। उसमें से फुगा चैनची डाला हियन से कहती है तुम किससे बात कर रही हो, ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है। लेता तुरंत अपना फेस वाइप कर लेती है और उन लोगों से कहती है देखो मेरा फेस, मैं तुम लोगों से खूबसूरत हूँ और मैं इस महल में प्रिंस को पढ़ाती हूँ और उसकी स्टडी में पार्टनर भी हूँ और मुझे यहाँ पर योर हाइनेस से परमिशन दे दी है कि मैं यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। वो लोग लेताओ को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और जेलसी भी फील करने लगती हैं क्योंकि लेताओ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो लोग लेताओ से कहने लगती हैं तुम इतना घमंड मत करो क्योंकि तुम ग्रैंड सेक्रेटरी की डॉटर हो, हमें भी महारानी ने यहाँ पर बुलाया है, क्या पता भविष्य में हम कंक्यूबाइन बन जाएं, तो अपने शब्दों पर तुम ध्यान दो। तो लेताओ कहती है ओ मैं तो डर से कांप रही हूँ। लेताओ सडनली अपनी फियर्स आई करती हुई उन लोगों से कहती हूँ मैं हूँ इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत वूमेन और मेरा फेवरेट पर्क है मैं लोगों को नाराज कर देती हूँ। सडनली यूएन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है क्या हमारे प्लेस में कोई मोस्ट ब्यूटीफुल वूमेन भी है, ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी। लेताओ सडनली यूएन की तरफ देखती है और उसकी तरफ भाग कर जाती है और उसे कहने लगती है योर हाइनेस मैं तो आपसे कह रही थी आप हैं सबसे मोस्ट हैंडसम इस प्लेस
में। तो वो दोनों लड़कियां कहने लगती हैं झूठी कहीं की। तो युयान लेताओ से पूछता है क्या सच में, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो लेताओ कहती है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, आई लाइक योर मैजेस्टी। और वो अपने मन में सोचने लगती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सडनली फुगा जी एनजी घुटने पर आ जाती है और कहती है योर मैजेस्टी मैं आपको सच बताती हूँ, लेताओ इस महल के इस कमरे को उड़ाने को सोच रही थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप उसे पनिश कीजिए। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको स्टोरी पसंद आ रही हो और आपको स्टोरी इंटरेस्टेड लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखते हैं कि युयान लेताओ की इस बात को सुनकर उस क्या रिस्पॉन्स देता है। सो लेट्स सी टुमारो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।